IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ 21 अक्टूबर की ये शाम और लेकर हाजिर हूं आप ही का पसंदीदा शो 5 और 6 के बीच में. सबसे पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला और हमें बड़ों की पाठशाला के लिए देश भर से कई फोन कॉल्स आ रहे हैं. देश भर में लोग इसे सुन रहे हैं, इस पाठशाला को सुन रहे हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है. आप भी अपने बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं 3992 7 9 2 7 इसी नंबर पे 3992 7 9 2 7. और हमारे साथ हमारे पैनल में हैं रवीना टंडन जी, साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया और फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब. तो चलिए लेते हैं आज का हमारा कॉल. नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. मैं पायल बोल रही हूँ. और आजकल तो जैसे बच्चों के साथ जो क्राइम की खबरें सुनने को मिलती हैं उससे बहुत डर लगता है. मुझे तो समझ नहीं आता कि हम लोग कैसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर सकते हैं कि अननोन लोगों से उनको बचा सकते हैं, या उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको कैसे समझाएं कि प्यार क्या है और बदतमीजी क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये उनको कैसे सिखा सकते हैं हम. तो जो लिसनर्स हमें इस वक्त सुन रहे हैं ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो सवाल पायल जी ने पूछा है वो हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. रवीना जी, आपने कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को? आई हैव टॉट माई चिल्ड्रन नॉट टू कम बैक क्राइंग टू मी. यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन टू फेस इट, यू नो, राइट फ्रॉम अ यंग एज. के ओके, फाइन, दिस इज इट, बट यू हैव टू डील विद थिंग्स. And the world is becoming really, really dangerous these days. You have to learn to teach your children what is good touch, bad touch, what is happening to them. They have to learn to express and you have to understand them. That's very important. परेशानी बड़ी है पर टेंशन की बात नहीं है पायल, क्योंकि हमारे साथ शो पर आज है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया भी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन को. तो थोड़ी देर में लौट कर आते हैं 92.7 बिग एफएम पर. सुनते रहिए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला. मैं हूं दिलीप आपके साथ. आईडीबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला. हम सीधे चलते हैं डॉक्टर कशिश छाबरिया के पास जानने के लिए कि कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाए गुड टच और बैड टच के बारे में. कई बार ये देखा गया है कि बच्चों का जो अब्यूज़ करते हैं वो घर से जुड़े हुए ही लोग रहते हैं. अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे इसके टच से, जिसके भी नाम से, इसके टच से मुझे कंफर्ट नहीं महसूस होती, प्लीज़ अपने बच्चों पर विश्वास रखिए. क्योंकि बच्चे हमेशा तो नहीं सच बोलते, बट यस, कई हद तक सच बोलते हैं. आप उस पर अपने बच्चे पर विश्वास रखिए. और अगर बच्चा कहता है मुझे यहाँ नहीं जाना है, तो उसे कारण पूछिए क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है. और अपने बच्चों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए. उन्हें समझाइए कि आपके जो अपर प्राइवेट है एंड लोअर प्राइवेट पार्ट है, वहां पर आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता एक्सेप्ट द मदर हु इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. इवन मेड्स को भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रखनी जरूरी है. स्कूल्स में जैसे बच्चे जाते हैं उधर भी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है. ड्राइवर्स को हाथ नहीं लगाना है, सिक्योरिटी वॉचमैन को हाथ नहीं लगाना है. अगर आपको लगे कि बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ अनकंफर्ट फील हो रहा है, बच्चे के साथ एवरी डे खुलकर बात कीजिए क्या हो रहा है. अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन बीइंग सॉरी. सो थोड़ा ध्यान दीजिए. उम्मीद करती हूँ आप अपने बच्चों को ये सारे टिप्स सिखाएंगे ताकि उनके साथ कभी ऐसा न हो. बिल्कुल, इसी सोच को आप तक पहुंचाने का प्रयास है बड़ों की पाठशाला. लौटेंगे हेमंत रस्तगी साहब से और जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स के बारे में. सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला. आईडीबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. आप सुन रहे हैं आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला. गुड फाइनेंस प्लानिंग टिप्स क्या है, अब जानते हैं हमारे पर्सनल फिनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब से. इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पुराना तरीका है एफडी करना, लेकिन आज के जमाने में बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से एफडी करना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं. जब हम बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं तो ये ऐसा गोल है जो हमारे पेरेंट्स के दिल के बहुत करीब रहता है. तो उनको लगता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट गोल कर इन्वेस्ट करें तो उसमें कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं है. इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में दो रिस्क हैं. एक रिस्क तो ये कि आपकी कैपिटल नहीं जानी चाहिए, दूसरी रिस्क ये है कि आप इन्फ्लेशन, जिस पे किसी भी पेरेंट का किसी का भी ध्यान नहीं जाता है. जबकि सच्चाई ये है जो इन्फ्लेशन का रिस्क है वो कैपिटल रिस्क के बहुत
बड़ा है, क्योंकि आप जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल लूज करने का चांसेस बहुत कम है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां पे आप रिटर्न जो है रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो ऐसा हो, ऐसी एसेट एलोकेशन हो इस ऑप्शन में आप देखें जहां पे आप सही मायने में इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने ऊपर खर्च थोड़ा कम कीजिए। और एक बात बताऊं कि आप एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लाइफ इंश्योर भी करता है और देता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी मेहनत की कमाई पर, जैसे IDBI लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड इंश्योरेंस जो खास तौर पर बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बनाया गया है। टू नो मोर आज ही अपने नियरेस्ट IDBI बैंक, IDBI फेडरल या फेडरल बैंक ब्रांच जाएं। पेरेंटिंग टिप्स पर अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो SMS कीजिए BIG बिग स्पेस बुक लिखिए, फिर इसे भेज दीजिए 55454 पर और आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक फॉर बड़ों की पाठशाला बुक। हमारा पूरा पैनल कल हमारे साथ फिर एक बार होगा IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला में, और मैं आपसे मिलूंगा बस सबसे थोड़ी ही देर में 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।